नमस्कार बंधुओं, आप सभी का अपने YouTube ऑनलाइन क्लास में वेलकम। आज का जो अपना टॉपिक्स रहेगा वह रहेगा आनुवंशिकी के अंतर्गत आगे का भाग है मेंडल के वंशानुगति के नियम, अर्थात जो अपन ने कल का जो अपना वीडियो था उस वीडियो के अंदर अपन ने आनुवंशिकी के बारे में पढ़ा था कि आनुवंशिकी क्या होती है, क्या इसकी परिभाषा है, या आनुवंशिकी क्या है, इसके अंदर अपन किसका अध्ययन करते हैं, इसका पिता कौन है, इसके अंदर अपन ने कल अध्ययन किया था। और आज अपन इससे जो आगे है मेंडल के वंशागति के जो नियम है उसको अपन पढ़ते हैं। तो मेंडल ने वंशागति के नियमों के अंतर्गत कुल तीन नियमों का प्रतिपादन किया था, जो पहला नियम है प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम और तीसरा नियम है स्वतंत्र अपयोन का नियम। तो अपन बात करते हैं नियमों के बारे में, जिसके अंदर पहला नियम है प्रभाविता का नियम। कौन सा नियम है? प्रभाविता का नियम। दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम और तीसरा नियम है स्वतंत्र अपयून का नियम। तो मित्रों, आज अपन शुरुआत करते हैं इस प्रभाविता के नियम से, फिर अपन पढ़ते हैं पृथक्करण का नियम, प्रभाविता का नियम जो मेंडल का पहला नियम है। इस नियम के अंतर्गत अपन बात करते हैं कि ये जो प्रभाविता का नियम है यह कौन से संकरण पर आधारित है, या अपन देखो कल अपन ने इसे जो पहले वाला वीडियो है उसके अंदर अपन ने शब्दावली के बारे में अध्ययन किया था, जैसे एक संकर संकरण, द्वि संकर संकरण, त्रि संकर संकरण, ये क्या होती है ये अपन ने कल के वीडियो के अंदर पढ़ा था। तो जो एक संकर संकरण है उस पर अपना प्रभाविता का नियम आधारित है। एक संकर संकरण क्या होता है, दोबारा इसकी परिभाषा सुन लीजिए कि वह संकरण जिसमें पौधे की केवल एक लक्षण की वंशागति पर अध्ययन किया जाता है वह अपना क्या कहलाता है, एक संकर संकरण। तो जो प्रभाविता का नियम है मेंडल का वह किस पर आधारित है, यह एक संकर संकरण पर आधारित है, क्योंकि क्योंकि इसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। समझ में आ गया, यह नियम एक संकर पर आधारित है क्योंकि इसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, और वह लक्षण कौन सा है, जैसे माना कि पौधे की ऊंचाई, पौधे की ऊंचाई के अंदर भी दो विपर्यासी लक्षण है, कौन कौन से, एक तो है पौधे की लंबाई, पौधा कैसा है, लंबा है, दूसरा पौधा कैसा हो सकता है, बोना हो सकता है, पौधा कैसा हो सकता है, बोना। ध्यान दीजिए मित्रों, ये जो लंबा है ये कैसा लक्षण है, ये प्रभावी लक्षण है, कैसा लक्षण है, प्रभावी लक्षण है, और जो अपना बोना पौधा है वो कैसा है, अप्रभावी लक्षण। और मेंडल ने इन दोनों लक्षणों के बीच में क्या करवाया, संकरण करवाया, क्या करवाया, संकरण करवाया। तो बात करते हैं इस प्रभाविता के नियम के अंतर्गत प्रभावी सॉरी लंबे और बौने पौधों के मध्य किस प्रकार संकरण करवाया और उनको किस प्रकार की प्रजातियां प्राप्त हुई। जैसे बात करते हैं विद्यार्थियों कि समयुग्मजी लंबे पौधे
एवं समयुग्मजी बौने पौधों में संकरण करवाने पर समयुग्मजी लंबे पौधे एवं समयुग्मजी बौने पौधों में संकरण करवाने पर जो लक्षण F1PD में प्रकट होते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, प्रभावी लक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रभावी लक्षण कहते हैं। कल भी अपन ने प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों के बारे में अध्ययन किया था। तो जो F1PD में अंदर अपने लक्षण प्रकट करते हैं उन्हें अपन प्रभावी लक्षण कहते हैं, तथा जो लक्षण F1PD में प्रकट नहीं होते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, उन्हें अपन कहते हैं अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो यह आपको समझ में आ गया कि जो लक्षण F1PD के अंदर प्रकट होते हैं वे तो हो गए प्रभावी लक्षण, और जो लक्षण F1PD में प्रकट नहीं होते हैं वे तो अपने हो गए अप्रभावी लक्षण। अब बात करते हैं, जब मेंडल ने समयुग्मी लंबे और समयुग्मी बौने पौधों के मध्य संकरण करवाया तो मेंडल को किस प्रकार की प्रजाति, किस प्रकार के पौधे प्राप्त हुए? तो इस प्रकार संकरण प्राप्त कराने पर मेंडल को लंबे पौधे या अपन कह सकते हैं संकर लंबे या अपन कह सकते हैं विषम युग्मजी लंबे पौधे प्राप्त हुए। मेडल को कैसे पौधे प्राप्त हुए? लंबे पौधे, संकर लंबे या फिर विषम युग्मजी लंबे पौधे प्राप्त हुए। अब बात करते हैं अपन समयुग्मजी लंबे पौधे और समयुग्मजी बौने पौधे। लंबे पौधों को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं? T से प्रदर्शित करते हैं, और बौने पौधों को अपन t से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान दीजिए मित्रों, इसको अपन कहते हैं जनक। क्या कहते हैं? जनक। इस जनक क्या है इसका भी अपन ने कल अध्ययन कर लिया था। संतति प्राप्त करने के लिए जिस पौधों का संकरण करवाया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं? जनक पीढ़ी कहते हैं। और इनसे क्या है, ये क्या बन गए? युग्मक बन गए, कैपिटल टी। इनसे भी दो प्रकार के युग्मक। अब अपन आपस में कराते हैं इनका संकरण। संकरण करवाने के दो प्रकार है, इसको अपन ऐसे भी करवा सकते हैं और दूसरा तरीका मैं बताऊंगा अभी आपको। यह कैपिटल टी और स्मॉल टी। यह है अपना कैपिटल टी स्मॉल टी, और यह भी अपना है कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये जो अपन को जो पीडी प्राप्त हुई है, ये कौन सी पीडी है? F1 पीडी है। कौन सी पीडी है? F1 पीडी क्यों कहते हैं? क्योंकि कल अपन अध्ययन कर लिया था कि जनक पीडी से प्राप्त प्रथम पीडी क्या कहलाती है? F1 पीडी कहलाती है। तो ये जनकों से प्रथम पीढ़ी कौन सी है? F1 पीडी। और F1 पीडी के अंदर अपन को पौधे कैसे प्राप्त हुए? पौधे प्राप्त हुए हैं संकर लंबे पौधे, अपन कह सकते हैं T, t, या अपने इसको कह सकते हैं कि विषम युग्मजी लंबे पौधे हैं। कैसे हैं? विषम युग्मजी लंबे। कल अपन इसमें भी बात कर लेते विषम युग्मजी क्या होता है, विषम युग्मजी क्या होता है। दूसरा देखो, अगर प्रकार है, अगर अपन इसको इस प्रकार का सैकरबोर्ड नहीं बनाए
इस प्रकार से भी इन दोनों को अपन ऊपर लिख सकते हैं और इन कैपिटल टी को अपन यहाँ लिख सकते हैं, फिर इनको क्रॉस करके लिख सकते हैं। तो ये जो चारों प्रकार के जो पौधे हैं वो अपन को एक ही प्रकार से प्राप्त हुए हैं, और वो है अपनी कौन सी पीढ़ी, F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी के पौधे कैसे प्राप्त हुए हैं, ये संकर लंबे पौधे, संकर लंबे पौधे। तो इस लक्षण को या इस नियम को प्रभाविता नियम इसी कारण कहा गया है कि जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण, और जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होते हैं उन्हें अपना अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो ये हो गया अपना मेंडल का प्रथम नियम, प्रभाविता का नियम। दूसरा नियम है अपना पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम, ध्यान दीजिए मित्रों, इस पृथक्करण के नियम को ही अपन युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। पृथक्करण का नियम या फिर इसको कहते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम। सबसे पहले मित्रों बात करते हैं कि ये जो अपना नियम है वो कौन से संकर संकरण पर आधारित है। तो जो नियम प्रभाविता का नियम आधारित था वही इस पर आधारित है। तो यह नहीं अपन कह सकते हैं, यह एक संकर संकरण पर आधारित है। यह नियम एक संकर संकर पर आधारित है। वही एक संकर संकरण क्या होता है, जिसके अंदर एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, क्या होता है एक संकर संकरण। फिर बात करते हैं ये जो अपना नियम है इस नियम को पृथक्करण का नियम क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए मित्रों जब F1 पीढ़ी से युग्मकों का निर्माण होता है तो प्रत्येक युग्म विकल्पी पृथक पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चला जाता है, और जिसके कारण इसे अपन क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम कहते हैं। जैसे F1 पीढ़ी से युग्मक बनते समय प्रत्येक युग्म विकल्पी पृथक पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में सला जाता है, अर्थात जो युग्म विकल्पी है वो पृथक पृथक होने के कारण इस नियम को अपन क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम कहते हैं। अतः इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। दूसरी अपन बात की कि अपन इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। युग्मकों की शुद्धता का नियम क्यों कहते हैं, क्योंकि जब प्रत्येक युग्मक में एक लक्षण के लिए एक युग्म विकल्पी पाया जाता है और पाए जाने के कारण को अपन इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। तो अपन लिख सकते हैं प्रत्येक युग्मक में एक लक्षण के लिए एक युग्म विकल्पी पाया जाने के कारण इसे युग्मकों की
शुद्धता का नियम कहते हैं। अर्थात प्रत्येक लक्षण के लिए एक युग्म विकल्पी पाया जाता है और इसी के कारण अपन क्या कहते हैं इसे, युग्मकों की शुद्धता का नियम। तो ये तो दोनों अपने हो गए कि इसे पृथक्करण का नियम क्यों कहते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम क्यों कहते हैं। फिर आगे बात करते हैं इस नियम के अंतर्गत कि जब मेडल ने F1PT के या मेडल ने समयुग्मी लंबे और समयुग्मी बौने पौधों के मध्य संकरण करवाया तो मेडल को लंबे संकर पौधे प्राप्त हुए। तो वो भी अपन थोड़ा प्रोसेस को लिखना पड़ेगा। जब समयुग्मजी लंबे एवं बौने पौधों में संकरण करवाया तो F1PD में सभी पौधे संकर लंबे प्राप्त हुए। सभी पौधे कैसे प्राप्त हुए, संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए। जैसे अपने TT स्मॉल टी ये तो हो गए समयुग्मजी लंबे पौधे, ये हो गए समयुग्मजी बौने पौधे। अगर मैं इन दोनों के बीच में आपस में क्या करवाता हूं, संकरण करवाता हूं। अब अगर इन दोनों को मैं यहां लिख देता हूं और इन दोनों को मैं यहां लिख देता हूं, ये हो गए अपने दोनों टी, क्या हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी। अर्थात जो अपनी F1PD है और F1PD में पौधे किस प्रकार के प्राप्त हो गए, संकर लंबे पौधे प्राप्त हो गए। ध्यान दीजिए मित्रों, ये जो अपनी F1PD है इस F1PD में ही आपस में मेडल ने क्या करवाया, स्वपरागण करवाया। तो ये होगी अपनी F1PD। यह है अपनी F1PD, जब मेंडल ने F1PD में ही आपस में क्या करवाया, स्वपरागण करवाया। तो मेंडल को किस प्रकार के पौधे प्राप्त हुए, अब अपन इसका इन दोनों को मैं यहां ऊपर लिख देता हूं और इन दोनों को मैं यहां पर लिख देता हूं। अब इनके मध्य क्रॉस, दोनों ही कैपिटल टी है, इसमें भी एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल, दोनों ही स्मॉल। कहने का मतलब है इस एप, ये अपनी कौन सी पीडी है, ये अपनी F2PD है। कौन सी पीडी है, F2PD। F2PD की प्राप्ति कहाँ से होती है, F1PD से प्राप्ति होती है। जब F1PD के पौधों के मध्य संकरण करवाया जाता है तो अपन को कौन सी पीडी प्राप्त होती है, F2PD प्राप्त होती है। अब ध्यान दीजिए, जो अपनी F2PD है इसके अंदर अलग अलग अनुपात है, अलग अलग पौधे प्राप्त हुए। माना कि अपन मानते हैं स्यार पौधे हैं, तो स्यारी पौधे कैसे हैं, अलग अलग है। तो इनका अपन क्या देखते हैं, इनका अपन अनुपात देखते हैं। पहले अपन देखते हैं लक्षण प्रारूप अनुपात। लक्षण प्रारूप क्या होता है, फिनोटाइप। फिनोटाइप, अब ध्यान दीजिए कि लक्षण प्रारूप क्या होता है, लक्षण प्रारूप वो होता है जिसके अंदर पौधा बौना है या लंबा है, इन लक्षणों का निर्धारण किया जाता है। अब ध्यान दीजिए मित्रों, ये पौधा कैसा है, ये पौधा लंबा है, ये पौधा कैसा है, ये भी लंबा है, ये पौधा कैसा है, ये लंबा है, ये कैसा है, बौना है। ये बौना क्यों है, क्योंकि इसमें दोनों ही अपरोह लक्षण है, इनमें एक प्रभावी कैपिटल टी वो प्रभावी है, इसलिए ये अपना लंबा पौधा हो गया। और ये जो इसके अंदर भी कैपिटल टी मौजूद है, इस कारण ये कैसा पौधा है, ये भी अपना प्रभावी पौधा है। अर्थात अपन कह सकते हैं
कि तीन पौधे कैसे हैं, तीन पौधे हैं लंबे और एक पौधा कैसा है, बौना है। तीन पौधे, ये तीन किसको प्रदर्शित करता है, तीन पौधे लंबे पौधे, एक पौधा बौना पौधा है। ठीक है मित्रों, फिर बात करते हैं दूसरा लक्षण इसका, दूसरा अनुपात इसका, जीन प्रारूप, जिसे अपन कहते हैं जीनोटाइप। जीन प्रारूप के अंदर पौधों का निर्धारण किया जाता है कि पौधे समयुग्मजी है या विषमयुग्मजी। तो अपन देखते हैं इसके अंदर यह पौधा कैसा है, यह पौधा समयुग्मजी लंबा पौधा है। क्या इसके समान कोई और पौधा है, नहीं है। तो यह समयुग्मजी लंबे पौधे कितने हैं, एक पौधा समयुग्मजी लंबा है। एक पौधा कैसा है, समयुग्मजी लंबा पौधा। फिर बात करते हैं आगे इनके बारे में, ये पौधे कैसे हैं, विषमयुग्मजी लंबे पौधे, क्योंकि इनके एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी, अर्थात ये समयुग्मजी नहीं है, ये कैसे हैं, विषमयुग्मजी। तो इसके समान कोई और है, बिल्कुल है, ये रहा। अर्थात दो पौधे कैसे हो गए, विषमयुग्मजी लंबे। तो अपना अनुपात हो गया दो, ये दो पौधे कैसे हैं, विषमयुग्मजी लंबे पौधे। फिर बात करते हैं इस पौधे के बारे में, यह पौधा कैसा है, ये पौधा बौना है और कैसा है, समयुग्मजी बौना पौधा। तो एक पौधा अपना समयुग्मजी बौना पौधा है, कहने का मतलब है यह पौधा कैसा है, समयुग्मजी लंबा। ये दो पौधे कैसे हैं, विषमयुग्मजी लंबे। और मित्रों ये तो एक पौधा है, यह कैसा है, समयुग्मजी बौना पौधा है। कैसा पौधा है, समयुग्मजी बौना पौधा है। तो ये तो हो गए इनके लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप अनुपात। लक्षण प्रारूप अनुपात क्या है, 3:1, जीन प्रारूप अनुपात 1:2:1, 3 लंबे पौधे और एक अपना बौना पौधा। ये तो हो गया अपना मेंडल का पृथक्करण का नियम, या इसे अपन कहते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम। तो ये तो हो गया दूसरा नियम। अब आगे अपन एक छोटा सा टॉपिक्स है, संकर पूर्व संकरण, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स है जो कई बार एग्जाम के अंदर 1-1.5 नंबर के बारे में पूछ लिए जाते हैं, तो इनके बारे में अपन भी पढ़ते हैं। संकर पूर्वज संकरण, जिसे अपन बैक क्रॉस भी कहते हैं। यह संकर पूर्व संकरण क्या होता है, नॉर्मल सा है, ज़्यादा कोई हर्ड परिभाषा इसके अंदर है नहीं। संकर पूर्व संकरण ऐसा संकरण जिसमें F1PD का संकरण अप्रभावी जनक या प्रभावी जनक दोनों में से किसी के साथ करवाया जाता है, तो वो अपना क्या कहलाता है, संकर पूर्वज संकरण। अपन कह सकते हैं कि जब F1PD का संकरण अप्रभावी जनक या प्रभावी जनक कैपिटल टी, जब F1PD का संकरण अप्रभावी या प्रभावी जनक दोनों में से किसी एक के साथ करवाया जाता है, तो उसे बैक क्रॉस कहते हैं। ध्यान दीजिए मित्रों, ये जो अपना बैक क्रॉस है ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, जिसके अंदर पहला है बाह्य संकरण, अर्थात जिसे अपन आउट क्रॉस कहते हैं, और दूसरा है अपना परीक्षण संकरण जिसे अपन टेस्ट क्रॉस कहते हैं। अब अपन इसको दोनों को पढ़ते हैं कि यह बाह्य संकरण क्या होता है और परीक्षण संकरण क्या होता है।
जब F1PD का संकरण प्रभावी जनक के साथ करवाया जाता है तो अपना संकरण कौन सा कहलाता है? बाह्य संकरण कहलाता है। लेकिन जब F1PD का संकरण अप्रभावी जनक के साथ करवाया जाता है तो अपना कौन सा संकरण कहलाता है? टेस्ट क्रॉस या फिर परीक्षण संकरण कहलाता है। तो अपन इनको समझते हैं कि जब F1 PD का संकरण प्रभावी जनक कैपिटल टी के साथ करवाया जाता है तो उसे अपन क्या कहते हैं? आउटक्रॉस कहते हैं। लेकिन जब F1PD का क्रॉस जब F1PD का संकरण है वह अप्रभावी जनक अर्थात स्मॉल टी के साथ करवाया जाता है तो उसे अपन क्या कहते हैं? परीक्षण संकरण। आपको इतना ही ध्यान रखना है, अगर आपको पूछ लिया जाए कि परीक्षण संकरण क्या होता है तो F1PD का संकरण है वो अप्रभावी जनक के साथ, अगर आपको पूछ लिया जाता है कि बाह्य संकरण क्या होता है तो F1PD का संकरण प्रभावी जनक कैपिटल टी के साथ में। तब इसका अपन सेकर बोर्ड बनाते आगे अपन समझते हैं। आगे है बाह्य संकरण और परीक्षण संकरण। बाह्य संकरण के अंदर F1PD का क्रॉस प्रभावी जनक के साथ और इसका F1PD का क्रॉस अप्रभावी जनक अर्थात स्मॉल टी कैपिटल टी। जैसे F1PD अपनी कैपिटल टी स्मॉल टी और प्रभावी के साथ करते हैं तो ये हो जाएंगे दोनों अपने कैपिटल टी, दोनों को अलग अलग युग्मकों में बांट देते हैं। अब आगे अपन इसका बनाते हैं बोर्ड, इन दोनों को मैं ऊपर की ओर लिख देता हूं और इनको साइड की, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब अगर अपन इनके अनुवाद की बात करें, पहले लक्षण प्रारूप, लक्षण प्रारूप मतलब है पौधा बोना है या लंबा, तो ये पौधे कैसे हैं? ये पौधे लंबे, ये भी पौधे कैसे हैं? ये भी पौधे लंबे, अर्थात बाह्य संकरण के अंतर्गत 100% लंबे पौधे। अगर बात करें जीन प्रारूप अनुपात की, तो जीन प्रारूप का मतलब है इसके अंदर सम युग्मकों कितने और विषम युग्मकों कितने, दो पौधे समयुगी और दो पौधे विषमयुगी अर्थात जो अपना अनुपात है वो है 1:1। ठीक है, ये अनुपात कितना हो गया? 1:1। और जो लक्षण प्रारूप है वो तो सारे पौधे कैसे हैं? लंबे पौधे। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये होगी अपनी F1PD अप्रभावी जनक स्मॉल टी। इनको ऊपर की तरफ और इनको नीचे की तरफ क्या होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी और ये भी होगी अपना स्मॉल टी। अगर इसके अंदर अनुपात की बात करूं
तो इनका लक्षण प्रारूप अनुपात अर्थात यह पौधा कैसा है, लंबा पौधा, यह भी कैसा है, लंबा, यह बौना पौधा, यह भी बौना पौधा, अर्थात दो पौधे लंबे और दो पौधे कैसे हैं, बौने, तो अनुपात हो जाएगा अपना वन अनुपात वन। तो इनका जो लक्षण प्रारूप क्या आएगा, वन अनुपात वन। अगर बात करूं जीन प्रारूप की, तो जीन प्रारूप मतलब है कितने पौधे समयुगुजी और कितने पौधे विषमयुगुजी। तो कहने का मतलब है यहाँ पर यह पौधा कैसा है, विषमयुगुजी, ये पौधे विषमयुगुजी और नीचे वाले दोनों समयुगुजी, तो ये भी कैसे अपने 50-50, अर्थात जो अपना जीन प्रारूप है वो भी क्या आएगा, एक अनुपात एक। तो साथियों आज अपन ने मेंडल का प्रथम नियम, दूसरा नियम और संकर पूर्व संकरण के बारे में अध्ययन किया, और इसको आप पढ़िए समझिए। अगला जो उसका नियम है उसको अपन अगले वीडियो के अंदर अध्ययन करेंगे।